और इसी के साथ तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला लिया है। यहां पर वायुसेना से के विमान से आएगा ऑक्सीजन का टैंकर, जामनगर से इंदौर आएगा ऑक्सीजन का टैंकर। तो वहीं बताते हैं आपको, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। वायुसेना के विमान से ऑक्सीजन का टैंकर अब लाया जाएगा। तो वहीं जामनगर से इंदौर आएगा ऑक्सीजन का टैंकर। तो यहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर शिवराज सरकार का बड़ा बयान, बड़ा फैसला लिया गया है। यहां पर आपको बता दें, जामनगर से इंदौर आएगा ऑक्सीजन का टैंकर, जो कि वायुसेना के विमान से लाया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर कृष्णा द्विवेदी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ऐसे में वायुसेना जो है उसके विमान से ऑक्सीजन का टैंकर आने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अनन्या, जो अब शिवराज सरकार ने फैसला लिया है वो ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर की गति हो रही है। अब ऑक्सीजन के सिलेंडर एयरफोर्स के विमान के जरिए मध्य प्रदेश में पहुंचाए जाएंगे। एयरफोर्स के विमान के जरिए इन सिलेंडरों की सप्लाई की जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। पहला सिलेंडर जामनगर से इंदौर को आने वाला है एयरफोर्स के विमान से, और उसके लिए ये व्यवस्था जमाई गई है। और इसके पहले ऑक्सीजन ट्रेन भी चलाई गई थी, जिसके जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे प्रदेश में की जा रही है। अनन्या जी, धन्यवाद कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर ऑक्सीजन टैंकर जो है अब वायुसेना के विमान से इंदौर लाया जाएगा। बता दें आपको, जामनगर से इंदौर आएगा ऑक्सीजन का टैंकर। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं।